देश के पहले समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज पुण्यतिथि है। देश भर में जगह जगह उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनके संस्मरणों और उनके व्यक्तित्व को लेकर के चंचल बीएचयू ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। शख्सियत जब मुहावरे और लोक किंवदंती के खांचे में चली जाती है तो उसके लिए जी जैसे आदरसूचक संबोधन छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जी शब्द का दायरा बस उस व्यक्ति के व्यक्तित्व तक ही महदूद रह जाता है। यह व्यक्ति जब खुद कालखंड और परिस्थिति का प्रतीक बन जाता है तब जी लगाना बेमानी लगने लगता है। चंद्रशेखर जी से दूर जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर का एक नाम और था, दाढ़ी। बता दें कि यह संबोधन वे लोग करते थे जो उनके अंतरंग थे, परोक्ष में हमारे जैसे लोग करते थे जो उनके नज़दीक तो थे लेकिन उम्र और अनुभव के फासले थे। बता दें कि इस दाढ़ी में अपनापन और लगाव ज्यादा है। अर्नेस्टो गेवारा को चे नाम से गोहराया जाता है। दाढ़ी का राजनीतिक इतिहास क्या लिखेंगे, सुरेन प्रताप सिंह रविवार के संपादक रहे, बाद में आज तक जैसे चैनल के शिलान्यासी बने, फिर वहीं अपनी चिर परिचित आदत के अनुसार छेड़खानी शुरू किए, जिसको लेकर हमने कहा अमृता प्रीतम को खुशवंत सिंह ने अगर यह शब्द न पकड़ाया होता तो आपके सवाल का जवाब हम वही देते जो अमृता प्रीतम ने खुशवंत से पूछा था। अपनी आत्मकथा किताब का नाम क्या दूं, सदा ने हंसकर नाम सुझाया, तुम्हारी आत्मकथा में ही है क्या बस एक अदद मोहब्बत, नाम रखो रसीदी टिकट, ये जब से छाप रहा है बस वही एक साइज। तो चंद्रशेखर का राजनीतिक परिचय रसीदी टिकट भर है। बिल्कुल बलिया से उठे समाजवादी आंदोलन का हिस्सा बने और सीधे एक दिन प्रधानमंत्री, और कोई ओहदा, जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जनता पार्टी दल नहीं था, आंदोलन का पड़ाव था। सियासत में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो ओहदे को ठोकर मारकर रचनात्मक बदलाव और समाज की बेहतरी के लिए चल रहे कदम को मजबूत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ओहदा और विचार में विचार को चुनते हैं। धारा के विरुद्ध खड़े होने की इनकी आदत इन्हें वर्तमान में हाशिए पर भले ही डाल दे, अभाव और तजारत में लाचार कर दे, लेकिन तवारीख इन्हें जगह देती है। भारत का समाज विशेषकर शिक्षण संस्थाएं बौनी बन चुकी हैं, वरना यह शोध का विषय है कि सियासत में दाढ़ी बार बार अपने ही खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि दाढ़ी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे आचार्य नरेंद्र देव की सोहबत में आए। आचार्य नरेंद्र देव काशी विश्वविद्यालय आ गए कुलपति होकर। चंद्रशेखर बनारस आए, आचार्य जी के सानिध्य में शोध करना चाहते थे। आचार्य ने चंद्रशेखर में पता नहीं क्या देखा कि बोले, शोध में समय मत गवाओ, राजनीति में जाओ, समाजवादी राजनीति करो। वहीं इलाहाबाद समाजवादी राजनीति का केंद्र बन चुका था। बता दें कि दाढ़ी मजबूती से जुड़े, इस मजबूती का ताप पंडित नेहरू तक पहुंचा। एक छात्र से पंडित नेहरू ने कहा, कांग्रेस में आ जाओ। कांग्रेस और समाजवादी आंदोलन के रिश्ते से दाढ़ी बाकूफी वाकिफ रहे कि दोनों में गजब का रगात्मक लगाव है। समाजवादी आंदोलन के शीर्ष को पंडित नेहरू वापस कांग्रेस में बुला रहे हैं। डॉक्टर लोहिया, जेपी, अच्युत प्रवर्धन, इनके खतों को देखिए, रोना आता है। अगर उस समय समाजवादी पंडित नेहरू के आग्रह को मान गए होते तो हम आज जहां खड़े हैं यहां ना होते, लेकिन इतिहास में अगर मगर नहीं होता। जानकारी के मुताबिक 1954 में जेपी पंडित नेहरू को 1400 प्रोग्राम भेजते हैं। यही शर्तनामा है, अगर कांग्रेस इसे मान लेती है तो हम समाजवादी कांग्रेस में लौटने को तैयार हैं। वहीं पंडित नेहरू उस शर्त से सहमत होते हुए भी कार्य समिति में नहीं जा सके, क्योंकि वो जानते थे कि पार्टी टूट जाएगी। चुनाचे वो खत जसका तस रख लिया गया, ना हाँ ना ना। क्या था इस खत में, जिसको लेकर 1969 में पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने नेकी राम नगर कांग्रेस में रखा और कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर इसी निकाले गए इंदिरा गांधी के साथ बाहर आए। इतिहास में दाढ़ी ने फिर कब्जा जमाया, इस पन्ने पर लिखा है यंग टर्क। आज हम इसी यंग टर्क को सैल्यूट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। सादर नमन, यंग मैन।